यार, ओ आखिर बर्फ है, सफेद बर्फ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रत्ती गली एक हाई अल्टीट्यूड लेक है और इसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में होता है। अब ये लाइन तो आपने काफ़ी सारे वीलॉग्स में सुनी होगी, लेकिन रत्ती गली पे बर्फ़ का तूफ़ान आपने शायद ही किसी वीडियो में देखा हो। तो अगर आपको ऐसे एडवेंचर पसंद हैं तो ये वीडियो बिल्कुल मत मिस कीजिएगा। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, हम चार लोग गए थे मिड सितंबर में और पहले दिन ही गाड़ी दवारियां पार करके जीप से ऊपर बेस कैंप आ गए। दवारियां से बेस कैंप तकरीबन 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है और इस सफ़र में जीप आपके जिस्म की सारी हड्डियों का अच्छी तरह से चेकअप करती है, बट दिस इज़ ऑल वर्थ इट। रत्ती गली बेस कैंप एक टेंट विलेज ही है जहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे खाना, रहना और वॉशरूम वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन चूँकि बेस कैंप इटसेल्फ अच्छी खासी हाइट पर है और यहाँ काफ़ी ठंड हो जाती है, तो अपने साथ गर्म कपड़े, सॉक्स और रेनकोट लाजमी लेके आएं। बेस कैंप पर ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है करने को। हम लोग बेस कैंप तकरीबन शाम 4 बजे तक पहुँचे थे। प्लान था कि नाइट बेस कैंप पर स्टे करके नेक्स्ट डे लेक जाएंगे, लेकिन मैं और बिलाल नदीदे बच्चों की तरह सब्र नहीं कर सके और चूँकि बेस कैंप से लेक तकरीबन 30 से 45 मिनट्स की इजी हाइक है, एक दो पैचेस आते हैं थोड़े स्टीप लेकिन बाकी आसान ही है, तो हम पहले दिन ही चल पड़े। तो मिस्टर बिलाल फर्स्ट टाइम रत्ती गली देखने लगे हैं। यार, ओए आखिर आपको भी दिखाते चलें। लेक देख के हम लोग तकरीबन मगरिब तक वापस बेस कैंप पहुंच गए थे। थके हुए थे ऑलरेडी, तो खाना खा के फ़ौरन ही सो गए हैं। वैसे भी अगले दिन दोबारा लेक पे आना था। अब मैं और बिलाल तो यकीनन, मेरा ख्याल है साद और अमान भी हमें बेवकूफ़ समझ रहे थे, लेकिन यार अगले दिन जो हमारे साथ हुई है। अगले दिन सुबह से हल्की बारिश और धुंध थी, लेकिन सर्दी अच्छी खासी। अब हम पंजाब वालों ने तो यही देखा था कि जैसे ही सूरज निकलता है धुंध ख़त्म हो जाती है, और वैसे भी हम लोग सर्दी और बारिश दोनों के लिए तैयार हो के आए हुए थे, सो हमने ट्रैकिंग शुरू कर दी है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे धुंध शदीद होती गई है और बारिश हल्की होती गई है, और एक सर्टन पॉइंट पर बारिश बर्फ़ में बदल गई है और विजिबिलिटी बिल्कुल ख़राब। जी लाहौर से एक हफ्ते के लिए ये ठीक है, बाकी लाहौर ठीक है। ये तस्वीर बनाना है ना, हम लोग कहेंगे हम किट्टू भी गए थे, मोबाइल की स्क्रीन सारी हो जाती है। धुंध और बर्फ की वजह से बाकी का रास्ता काफी मुश्किल से कवर किया। एक तो विजिबिलिटी का इशू था, रास्ता नहीं मिल रहा था, जहाँ रास्ता मिलता था वो बर्फ की वजह से स्लिपरी था, स्पेशली जो स्टीप पैचेस थे वो तो झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़े हैं हम। ओ बे
मूवी बंद कर दे मेरा ख्याल। मूवी की तरफ देख रहे हैं। हल्की सी लगी है घुटने पे। पता नहीं हम कहाँ पे हैं। हर तरफ बर्फ है, सफेद बर्फ। जो चढ़ाई वाला पार्ट था ट्रैक का वो हमने किसी तरह कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऊपर पहुंच कर तो यार पता ही नहीं लग रहा था कि हम हैं किस साइड पे और झील किस तरफ है। फिर भी चलते गए हैं यहाँ तक कि झील के एन ऊपर पहुंच कर पता चला कि यार ये तो झील है। ओके ओके ओके, तू वापिस चला जा। लेक पर हमने तकरीबन 10 से 15 मिनट स्टे किया है। ज़्यादा स्टे करना भी क्या था, एक दो फोटोज़ ली और चल पड़े। वापसी भी उसी तरह गिरते लड़खड़ाते रास्ते ढूंढते। हाँ, स्लाइडिंग एक न्यू चीज़ थी, वो करते हुए चलते रहे हैं। टाइम के एग्जैक्ट याद नहीं है, 30 to 45 मिनट्स लगे होंगे या शायद इससे ज़्यादा। इधर देख। हमारी कैंपेन का पिछला ज्यादा वजन है पीछे। कैंपेन का पिछला पासा ज्यादा वजन है। यहाँ से सही नजर आती है। क्या कह रहे हैं? भूख लगी है। निकालें। वापसी पे बेस कैंप पर जीप हमारा वेट कर रही थी ऑलरेडी। जीप पर बैठ के नीचे दवारियाँ आ गए हैं। दवारियाँ से अपनी गाड़ी में बैठकर हम लोग केल की तरफ चल पड़े हैं। यार ये थी हमारी एडवेंचर। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो और वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह, नहीं लगी तो भी बनाऊंगा। फ़ी अमानुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।